हेलो, वेलकम टू नर्सिंग ओफीलिया। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसे हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, कहीं ना हम उनके मायने ही खोते जा रहे हैं। तो शायद आप मेरी पोएम से रिलेट कर पाएंगे और इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच पाएंगे। तो मेरी पोएम कुछ इस तरीके से है कि चलो आज बचपन के दिन से मिलवाती हूँ। माँ बाप के बाद जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम भूमिका निभाई है उससे भेंट करवाती हूँ। जब रोते हुए आए थे नर्सरी में आप, थामा था उंगली आपका पकड़कर हाथ। हाँ जी, सही सोच रहे हैं आप, एक टीचर की दास्तान मोहब्बत बताती हूँ। सुबह उठते ही ये सोचना कि आज बच्चों को क्या पढ़ाना है, अपनी परवाह हो या ना हो, बच्चों की परवाह से सुबह होती है। बिन माँ बने ये टीचर सारे बच्चों को एक साथ एक धागे में पिरोती है। अरे माँ बाप को तो दो तीन बच्चे होते हैं, उसमें भी बोलते हैं क्या बताएं, बड़ा दुखी हैं हम। हमारे मम्मी पापा बोल देते हैं ना, अरे मेरे बच्चे इतने शैतान हो गए हैं, बहुत दुखी कर दिया इन्होंने। तो वही लिखा है कि माँ बाप के तो दो तीन बच्चे होते हैं, उसमें भी बोलते हैं क्या बताएं, बड़े दुखी हैं हम। और वो टीचर 60 बच्चों को अपना समझ के गर्व से रहती है। साथ ही साथ खुद की ज़िंदगी का पता नहीं होता और बच्चों की चेहरे की शिकन को दूर से पहचान लेती है। अरे टीचर ही है वो जनाब जो आजकल की दुनिया में डांट देती है। अब आजकल के टाइम पे किसी को, लोगों को आपसे मतलब नहीं है। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, वो आपके लिए, कोई आपको नहीं डांटने वाला है, कोई आपको नहीं सुनाने वाला है। एक माँ बाप और दूसरा टीचर, यही दो इंसान हैं जो आपको आपकी गलतियों पे डांटते हैं और आपको सिखाते हैं। तो उसी पे है ये कि अरे टीचर ही है वो जनाब जो आजकल की दुनिया में डांट देता है, पर आपके अच्छा काम करने पर पुचकार भी तो वही देता है। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो कैसे आप लोगों को शाबाशी मिलती है टीचरों से। हम भूल जाते हैं जिसने कलम पकड़ना सिखाया है, उसके 10 नाम बनाते हैं, ना जाने उसके पीठ पीछे कितना ही भला बुरा भी बनाते हैं, पर भूल जाते हैं कि ये भारतवर्ष की चीज़ें हैं, जहाँ द्रोणाचार्य एकलव्य जैसा प्यार था, जहाँ टीचर्स का दिल से सम्मान था। बस 5 सितंबर को रोज़ और पेन देने से रिस्पेक्ट नहीं आती, और ये वो प्रोफेशन है जनाब जहाँ रिस्पेक्ट, ज़बरदस्ती कमाई भी नहीं जाती। जहाँ गुरु के पैर छुए जाते थे वहाँ आँख दिखाई जाती है, पहले गुरुजी, फिर मास्टर और अब सर और मैम हो गए हैं। किस तरह ये शब्दों के साथ सम्मान भी कम हो गए हैं, पता नहीं था शब्द में जिस इंसान ने इतना काबिल बनाया है, कि दो पैसे कमा पा रहे हैं, समाज में इज्जत ला रहे हैं, उस पर ही आज हम उंगली उठा रहे हैं। उन्हें चंद पैसों की नहीं प्यार की ज़रूरत है, और ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ये एजुकेशन बिजनेस हो जाएगा जहाँ बाटर सिस्टम चलेगा और बस चलता ही जाएगा। अगर टीचरों से, टीचरों को सम्मान नहीं मिलेगा तो टीचर भी सम्मान से पढ़ा नहीं पाएगा। बिन टीचर के आप सक्सेस हो नहीं पाओगे,
और बताओ या ना बताओ, तुम अपने हर ऊंचाई में हमेशा उसे पाओगे, हमेशा उसे पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने टीचर्स तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले आप उनसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।